करने दो भैया, कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी है ये, आरएसएस नहीं है। हो जाएगा, शांत हो जाएगा, आस्ते से हो जाएगा सब कुछ शांत। ये यहां पे हाफ पैंट पहनकर हाथ में लाठी लेकर नफरत फैलाकर काम नहीं किया जाता है, यहां पे प्यार से काम किया जाता है। कभी कभी थोड़ा कोई मतलब भाषण के बीच में कुछ बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क है हम में और उनमें, हमारे कार्यकर्ताओं में और उनमें फर्क है, हमारे नेताओं में उनमें फर्क है। वो हमारे लोगों से नफरत करते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत, हम उनके कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं। विचारधारा की लड़ाई है, हम लड़ेंगे उनसे, मारेंगे नहीं। अगर मार भी सकते हैं तब भी नहीं मारेंगे, प्यार से लड़ेंगे। और आप देखना, हराएंगे उनको। और उनको मतलब ठीक है, एक बार तुक्का लग गया 2014 में, वो अलग बात है। मगर हिंदुस्तान का अगर ये इतिहास देखें, उससे पहले देखें, हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखें, तो उनको दिखाई देगा कि इस देश में जो नफरत करता है वो हारता है, जो प्यार करता है वो जीतता है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने जाल में फंसते हैं, इनको फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपने जाल में मतलब आस्ते 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 अपने जाल में ही फंस के गिर जाते हैं। उदाहरण, दो तीन उदाहरण दूंगा आपको। पहला, मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, प्रधानमंत्री बना दो और मैं चौकीदार बन जाऊंगा। और जब मैं चौकीदार बनूंगा, जब मैं चौकीदार बनूंगा तो अच्छे दिन आएंगे। तो याद है आपको नारा, अच्छे दिन आएंगे। अब कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ सामने सच्चाई रखी, राफेल हवाई जहाज की सच्चाई रखी, 526 करोड़ वाले हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। और नरेंद्र मोदी जी अपने जाल में फंस गए, नया नारा निकला है, देखो, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा, बस थोड़ा सा आप लोगों को बोलना पड़ा और नरेंद्र मोदी का चेहरा अब आप देखो बिल्कुल बदल गया है। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट हाउस में डेढ़ घंटा पहली स्पीच मुझे याद है, पहली स्पीच में उन्होंने सिक्किम के बारे में बोला, सिक्किम की खेती के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोला, बुलेट ट्रेन के बारे में बोला, बहुत लंबा भाषण किसी ब्यूरोक्रेट ने लिखा था। मैं गारंटी देता हूं किसी ने नरेंद्र मोदी जी को लिख के दिया था कि भैया आपको देखिए बुलेट ट्रेन के बारे में तो बोलना ही है, आपको ये दो तीन चार चीजें बोलनी है। एम्प्लीफिकेशन बहुत बढ़िया, भाषण बहुत बढ़िया, मगर एक खोखलापन, सच्चाई नहीं है उस भाषण में। और बिना सच्चाई के भाषण का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अंत में पता लग जाता है लोगों को, अंत में सच्चाई आ जाती है बाहर। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, चौकीदार बना दो, 15 लाख रुपए डाल दूंगा।
अब देखिए कांग्रेस पार्टी का तरीका, 6 महीने पहले हमने काम शुरू किया, हमने कहा देखिए बात तो सही कही थी, आइडिया तो सही है, बैंक अकाउंट में पैसे डालने का आइडिया तो सही है, मगर उसमें झूठ बोल दिया 15 लाख का। तो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे, 6 महीने हमने काम किया और हमने कहा ये जो आइडिया है इसको सच्चाई में कैसे बदला जाए। नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने की बात की, इस सोच को कांग्रेस पार्टी पूरा कैसे करे। 6 महीने लगे, सब इकोनॉमिस्ट, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से हमने बात की, बिना किसी को बताए, भाषण नहीं किया, 6 महीने से हम लगे हुए हैं, लिस्ट ले लो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट की लिस्ट ले लो दुनिया में, सबसे बात की, रघुराम राजन एक के बाद एक सबसे बात की और कहा भैया आइडिया अच्छा लगा, इसको हम पूरा करना चाहते हैं। पहली बात पता लगी कि एक मिनिमम इनकम की लाइन बनानी पड़ेगी, पूरा हमने कैलकुलेट किया और एक नंबर निकला, मिनिमम इनकम लाइन का नंबर 12,000 रुपए हर महीना। अब ये बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, क्या है ये मिनिमम इनकम लाइन, क्या है 21वीं सदी में? कांग्रेस पार्टी चाहती है और हमारे सब कार्यकर्ता चाहते हैं, हमारे सब नेता चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक गरीब ना बचे, एक व्यक्ति भी इस लाइन के नीचे ना रहे। 12,000 रुपए, उसी में उस व्यक्ति की इज्जत, उसी नंबर में उस व्यक्ति का भविष्य, उसी नंबर में उस व्यक्ति की खुशी, उसी नंबर में उस व्यक्ति के बच्चों का की शिक्षा, उसी नंबर में उसका उसके माता पिता का इलाज। 12,000 रुपए। भाइयों और बहनों, शक्ति के कार्यकर्ताओं, कांग्रेस पार्टी ने, आपने, हमारे नेताओं ने मिलके यह निर्णय लिया है कि इस देश में जो भी गरीब व्यक्ति 12,000 रुपए महीने की आमदनी से नीचे है, उसे सरकार पैसा देकर 12,000 रुपए प्रति महीने की आमदनी तक पहुंचा देगी। मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, देखो मैं आपको हथियार दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी का हथियार झूठ, 15 लाख रुपए किसानों को सही दाम, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आपका हथियार सच्चाई, और मैं आपको अब सच्चाई का हथियार दे रहा हूं, इसको आप अपने पॉकेट में डालिए, हर घर में ले जाइए, गांव में ले जाइए, शहरों में ले जाइए, सड़कों में ले जाइए, छोटे दुकानदारों के पास ले जाइए, बेरोजगार युवाओं के पास ले जाइए, 12,000 रुपए प्रति महीना, मतलब 72,000 रुपए हर साल, 3,60,000 रुपए 5 साल के अंदर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20% परिवारों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी डालेगी। एक तरफ भाई और बहनों, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का झूठ, मैं 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की सच्चाई, हम 3,60,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आपने यहां चुनाव लड़ा, आप पोलिंग बूथ पे खड़े थे, आपने कांग्रेस पार्टी को शक्ति दी, आपको मालूम है कि चुनाव में आपके नेताओं ने, मैंने, गहलोत जी ने
बाकी नेताओं ने कहा था कि चुनाव होने के 10 दिन बाद कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि 10 दिन के अंदर हर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। सच बोला था या झूठ? नहीं, सच बोला था, मगर एक गलत बात बोली, एक गलती हो गई। हमने 10 दिन कहा, 2 दिन में कर दिया। ये जो सच्चाई है, ये आपका हथियार है, ये कांग्रेस पार्टी का हथियार है, ये महात्मा गांधी का हथियार है, ये आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है। और मुझे आज यहां बहुत गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है कि आज राजस्थान में, बाकी देश में लाखों पोलिंग बूथ पे हमें शक्ति देने वाले कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की सोच, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आप सबको यहां से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैंने पहले कहा था कि देखिए, आप हमारी शक्ति हो। कभी कभी आप मेरे पास आते हो, कहते हो यह शक्ति प्रोग्राम बहुत अच्छा है, ये शक्ति प्रोग्राम ये आपका है। जब आप मुझे कहते हो कि शक्ति प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप मुझे कह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अच्छा है, और मैं इस बात से सहमत हूं। और मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मेरा काम इस शक्ति को आवाज देने का है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, शुरुआत हुई है। आज राजस्थान में, दिल्ली में, किसी भी प्रदेश में आधे घंटे में जो आपके दिल में है हमें पता लग जाता है। कोई भी सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, आधे घंटे में हमें पता लग जाता है कि राजस्थान का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता क्या सोच रहा है। आने वाले कल में हम आपसे सिर्फ सवाल नहीं पूछेंगे, हम आपको पार्टी में, संगठन में आवाज देंगे। लंबा रास्ता है, समय लगेगा, मगर आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं को सचमुच में शक्ति दी जा रही है। यह हमारा लक्ष्य है।